संगम नगरी प्रयागराज जिले में दो संसदीय सीटें इलाहाबाद और फूलपुर आती हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू फूलपुर सीट से 3 बार सांसद चुने गए थे। ये सीट एक समय में नेहरू सीट के नाम से जानी जाती थी। फूलपुर की ऐतिहासिक सीट ने जवाहरलाल नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, जनेश्वर मिश्र, वीपी सिंह, कमला बहुगुणा और केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम सियासी दिग्गजों को देश की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचाया है। यूपी की संसदीय सीट संख्या 51 फूलपुर में छठे चरण के तहत 25 मई को मतदान होगा। 1952 के आम चुनाव से पहले फूलपुर सीट इलाहाबाद ईस्ट कम जौनपुर वेस्ट कहलाती थी। तब यहां से 2 लोग सांसद चुने गए थे। हालांकि 1957 के चुनाव में तब की इलाहाबाद पूर्व और जौनपुर पश्चिम लोकसभा सीट को मिलाकर सीट का नाम फूलपुर कर दिया गया। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में पहली लोकसभा में पहुंचने के लिए इसी सीट को चुना और लगातार 3 बार 1952, 1957 और 1962 में उन्होंने यहां से जीत दर्ज कराई थी। नेहरू के चुनाव लड़ने के कारण ही इस सीट को वीआईपी सीट का दर्जा मिल गया। नेहरू के निधन के बाद इस सीट की जिम्मेदारी उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित ने संभाली और उन्होंने 1967 के चुनाव में जनेश्वर मिश्र को हराकर नेहरू और कांग्रेस की विरासत को आगे बढ़ाया। लेकिन 1969 में विजय लक्ष्मी पंडित ने संयुक्त राष्ट्र में प्रतिनिधि बनने के बाद इस्तीफा दे दिया। यहां हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने नेहरू के सहयोगी केशवदेव मालवीय को उतारा, लेकिन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जनेश्वर मिश्र ने उन्हें पराजित कर दिया। इसके बाद 1971 में यहां से पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुए। 1977 से लेकर 1991 तक यहां भारतीय लोकदल और जनता दल का कब्जा रहा। 1996, 98, 99 और 2004 के चुनाव में सपा यहां से जीती। 2009 में बसपा के कपिल मुनि करवरिया ने पहली बार यहां जीत का खाता खोला। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में फूलपुर जैसी मुश्किल सीट पर भाजपा के केशव प्रसाद मौर्य ने यहां पहली बार जीत का कमल खिलाया। 2019 में भाजपा की केशरी देवी ने यहां जीत का झंडा गाड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर संसदीय सीट के चुनावी परिणाम को देखें तो यहां पर बीजेपी और सपा के बीच मुख्य मुकाबला था। भाजपा केशरी देवी पटेल को चुनाव में 5,44,701 वोट मिले तो सपा के पंधारी यादव के खाते में 3,72,733 वोट आए थे। केशरी देवी को चुनाव में 1,71,968 मतों के अंतर से जीत मिली। बात 2014 के चुनाव की जाए तो इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य ने 3 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की। मौर्य के खाते में 5,03,564 वोट आए। सपा के प्रत्याशी धर्मराज सिंह पटेल को 1,95,255 वोट मिले। बसपा और कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। भाजपा ने फूलपुर से वर्तमान सांसद केशरी देवी पटेल का टिकट काटकर विधायक प्रवीण पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया है। सपा से अमरनाथ सिंह मौर्य और बसपा से जगन्नाथ पाल चुनाव मैदान में हैं।